Hey guys, I hope you are doing well. So today we are discuss about some important courses, best courses after this COVID situation. Present time 2022 and यार just पिछले दो साल से आप 2020 से देख रहे हो. COVID की situation की वजह से almost सारा का सारा system ठप हो चुका है, बिल्कुल बर्बाद हो चुका है. बहुत सारी ऐसी इंजीनियरिंग कोर्सेस है जिनसे आपको सभी को पता होगा कि उनकी सिचुएशन बड़ी ही खराब हो चुकी है. तो अब आप लोगों के पास क्या ऑप्शन है जिससे कि आपका करियर बेटर हो सके. जो कि नए बच्चे हैं जिन्होंने अभी 12th पास किया हो, 11th में हो, 10th में हो, तो यार वो कौन सा कोर्स ग्रैब कर सकते हैं. और ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये एटलीस्ट 2024 तक चलेगा. तो अब अपन बात करते हैं एटलीस्ट जो COVID-19 सिचुएशन है. पहले 2020 में आया था, फिर थोड़ा सा नॉर्मल हुआ, फिर 2021 में वापस आ गया, थोड़ा सा नॉर्मल हुआ, फिर वापस 2022 के अंदर आ गया. ठीक है, तो यार एक तरह से पृथ्वी पे यह संकट आ चुका है. पता नहीं यह संकट कैसे आया है, हर बार ही आ जाता है कोविड, कभी ओमिक्रॉन, कभी आगे पता नहीं कौन कौन से वेरिएंट इसके आ सकते हैं. पहले कौन सा डेल्टा आया था, फिर डॉट 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 डॉट. अब अपन बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कोर्सेस की. तो चलते हैं अपन अपनी पीपीटी की ओर, देखते हैं यार कौन कौन से अच्छे अच्छे कोर्सेस है जिनकी जिन कोर्सेस को आप कंप्लीट करके एक अपनी अच्छी लाइफ की जर्नी बना सकते हो. आपको एक अच्छी सैलरी मिल सकती है, आपको अच्छी एक रेपुटेशन मिल सकती है जिसका करियर में आपकी जो है लाइफ में ग्रोथ हो और जिसका कोई इम्पोर्टेंस हो. तो चलिए देख लेते हैं आज का जो भी सीन है. तो गाइस बेस्ट कोर्सेस फॉर दिस COVID-19 एंड ओमिक्रॉन आफ्टर. ठीक है, तो यार फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें टारगेट करना चाहिए वो है वर्क फ्रॉम होम, राइट. क्योंकि हमें जो है ना एटलीस्ट अब सिस्टम इतना बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है कि कम से कम 3 साल तो मान के चलो, 3 साल तक तो सोशल डिस्टेंसिंग का यूज करना ही पड़ेगा, मिनिमम 3 साल तक, राइट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जैसे जैसे हम यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग तो उन्हीं वर्क सिचुएशन में यूज की जा सकती है जब हमारा काम ऑनलाइन हो सके. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे बड़ा तो पहला पॉइंट तो यही निकल के आता हमारे पास कि इंटरनेट, राइट. इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी सबसे ज्यादा. अब इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी तो किसका काम होना पैसों का, तो मोबाइल बैंकिंग डायरेक्टली बढ़ेगी. अब अगर हमें जो है सोशल डिस्टेंसिंग को अगर बना के रखना है तो फिर सबसे बड़ी जो इंडिया के अंदर पॉपुलेशन क्या है, पढ़ाई की, राइट. तो टीचिंग को ऑनलाइन लेना पड़ेगा और जो हमारे जो प्रोडक्ट है उनको भी ऑनलाइन सेल करना पड़ेगा. जैसे कि अभी की मैं अगर बात करूँ तो फिर से लॉकडाउन चल गया है. और अगर मैं मेरी अगर मैं सिचुएशन बात करूँ, ठीक है, तो एटलीस्ट पिछले 1.5-2 साल से अगर मैं बात करूँ तो मेरे सारे जो प्रोडक्ट है वो अमेजोन, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट से आते हैं. मार्केट कभी गए नहीं, मॉल कभी गए ही नहीं, ठीक है. तो सारे के सारे प्रोडक्ट ऑनलाइन आते हैं. हम कभी जस्ट अभी जो इस सिचुएशन की अगर मैं बात करूँ तो घर से बाहर भी नहीं निकल रहे, इंजीनियरिंग कॉलेज सोसाइटी से बाहर भी नहीं जा रहे, राइट. तो ये एक ऑप्शन हो सकता है ऑनलाइन मार्केटिंग, ठीक है. चाहिए जस्ट लाइक आप अपने प्रोडक्ट को भी ऑनलाइन सेल कर सकते हो. जस्ट लाइक जो भी शॉपकीपर है, जब कोई दुकान पे आएगा ही नहीं तो क्या करेगा बेचारा, ऑनलाइन ही सेल करना पड़ेगा, राइट. और अब एक और ऑप्शन आ सकता है आप लोगों के पास, ऑनलाइन कंसल्टिंग. जैसे आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप ऐसे डायरेक्टली तो जा नहीं सकते किसी के पास, तो आपको जो भी कोई क्वेश्चन है, प्रॉब्लम्स है, उसको आप कंसल्ट कर सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है. तो ऑनलाइन कंसल्टिंग भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है. अब एटलीस्ट जो है अभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है लोगों को, बच्चों को, तो उनको एक मेंटर या गाइडर भी चाहिए, राइट. और अगर आप जॉब कर रहे हैं, राइट, ऑनलाइन अगर आप जॉब कर रहे हैं, क्योंकि ऑफलाइन तो कुछ भी पॉसिबल है नहीं ना इस सिचुएशन के अंदर, तो ऑनलाइन मॉनिटरिंग भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है. जिसके अंदर जब अगर आप किसी की जॉब कर रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि आपको डायरेक्टली सैलरी पे कर देगा वो, राइट. तो जस्ट आपकी मॉनिटरिंग होगी तभी जस्ट आपको सैलरी मिलेगी. आपका जो भी मैनेजर है, आपका जो भी HOD है, वो आपको चेक करेगा कि आप काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, राइट. तो आपकी जो है ऑनलाइन मॉनिटरिंग भी होगी. तो एक आपकी सेल्फ सर्विसेज हो सकती है जो कि आप डायरेक्टली दे सकते हो. अब यार अब अगर अपन बात करते हैं तो भैया क्या करना चाहिए. अब जस्ट लाइक अगर आप इंजीनियरिंग करते हैं
अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग करते हैं तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ऐसा कोई काम नहीं है जिसे कि आप जस्ट जो है ऑनलाइन कर सके, राइट। तो इंजीनियरिंग के अंदर कुछ कोर्सेस हैं जिनका अगर मैं कहूँ तो स्कोप है एआई, इंफॉर्मेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, राइट, ये रोबोटिक्स इंजीनियरिंग और ये डीए, राइट, सो डेटा एनालिटिक्स। ओके, सो इसका यार फ्यूचर के अंदर बहुत बहुत ही ज्यादा स्कोप है। इसका इतना ज्यादा स्कोप है ना, ये जो मैं आपको चार कोर्सेज बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, अगर आपको इनमें से कुछ आ रहा है तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएंगी। लाइफ चेंजिंग कोर्सेस है, तो आप ये बिल्कुल कर सकते हैं, एआई, मशीन लर्निंग, डीए। तो इसके लिए आपको एक सबसे बड़ा ऑप्शन यही हो सकता है कि आप जो है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर ले, यानी कि सीएस, राइट। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपको लोगों के लिए। तो जितने भी बच्चे हो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग को टारगेट करो। अब यार बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होंगे जिन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग ले ली, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ले ली, अब वो क्या करेंगे। वो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि फोर्थ ईयर के अंदर है अभी, चाहे वो कितने ही बड़े बड़े कॉलेजेस से क्यों ना पढ़े हो, आईआईटी से पढ़े हो, आईआईएम से पढ़े हो, लेकिन जब इंडस्ट्री ओपन ही नहीं होगी तो वर्क कैसे होगा, राइट। अब जैसे आपको किसी बहुत बड़ी इंडस्ट्री में हो गया, आपका प्लेसमेंट हो गया, आपको 20-25 लाख रुपए का प्लेसमेंट हो गया, ओके, तब तो आपको आपको सैलरी पे करेगा कैसे बता रहा जो भी आपकी इंडस्ट्री है, क्योंकि उसका इंडस्ट्री ओपन ही नहीं हो रहा ना, राइट। जब इसका इंडस्ट्री ओपन ही नहीं हो रहा तो कैसे चलेगा काम, सो आपको सैलरी पे करेगा कैसे। तो ये वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, क्या ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस जनरेशन के लिए। पृथ्वी पे बहुत बड़ा संकट आ गया है, सो आप इन चीजों को जरूर ध्यान में रखकर चलें। जो जैसे कि अगर आप कोई कोर्स करना चाहते हैं तो फ्यूचर के अंदर मैंने जितने कोर्सेज बताए इनका फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा स्कोप है। ऑनलाइन टीचिंग, जैसे कि कोई अगर फिजिकल जो करवाता था कोर्सेज, जैसे कि बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट है जैसे आकाश है, एलएन है, अब जैसे कोविड सिचुएशन में वो फिजिकली तो करवा नहीं रहा, जैसे पहले वो 2 लाख रुपए पर बच्चे से फीस लेता था और उसकी भी कुछ लिमिट थी, जैसे वो 1.5-2 लाख बच्चों को ही पढ़ा पाता था, लेकिन अब वो डायरेक्टली 3 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख कितने भी बच्चों को पढ़ा सकता है और वो अपनी कॉस्ट भी कम रख सकता है। और एक ऑनलाइन टीचिंग का आपको एक अच्छा ऑप्शन बता सकता हूँ कि जस्ट अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप क्लास भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे देखने वाला भी कोई नहीं है, मॉनिटरिंग भी बहुत कम होती है यहाँ पे, तो जस्ट आप लोगों के पास ये भी अच्छा एक ऑप्शन हो सकता है। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप एक दिन के लिए क्लास तोड़ सकते हैं, लेकिन मतलब वो भी एक अच्छा ऑप्शन नहीं है आपके लिए कि आप क्लास तोड़ दें, लेकिन ऑलमोस्ट आपको रिकॉर्डेड फॉर्म के अंदर भी मिल जाता है, लेकिन ये ऑप्शन ऑफलाइन क्लास में नहीं होता है। जैसे ही आप क्लास तोड़ के बाहर जाते हैं तो आपके ऊपर एक बुरी नजरों से देखा जाता है, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो आपके फ्रेंड हो, कि कॉल करने के लिए, अदर वर्क इश्यू के लिए क्लास को छोड़ के चला गया, राइट। तो एक अच्छा नहीं कह सकता, आप लोगों के पास ऑप्शन हो सकता है, ऑनलाइन मार्केटिंग इज वेरी गुड ऑप्शन। ऑनलाइन आप प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, ऑनलाइन टीचिंग का मैंने आपको बता ही दिया। इंटरनेट यूजर, जस्ट अगर मैं बात करूँ 2024 तक, तो 90% तक जो है अभी तक ऑलमोस्ट जो बहुत सारे यूजर्स जो इंटरनेट यूज कर रहे हैं, और 45% जो है यूजर्स इंक्रीज होंगे अगले जस्ट 24 जो भी 2024 तक इंक्रीज होंगे, और ऑलमोस्ट यूजर्स इंक्रीज हो रहे हैं, जैसे जैसे इंक्रीज हो रहे हैं यूजर, और 5G टेक्नोलॉजी भी लाई जा रही है, अभी तक इंडिया में टेस्टिंग चल रही है, ऑलमोस्ट मोबाइल्स 5G आ चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप जस्ट इस पे थोड़ा ध्यान दिया यार। मेडिकल स्पेशलिटीज आप किसी में भी जा सकते हैं, मेडिकल फैसिलिटी जो भी है, जनरल के अंदर ऑलमोस्ट सब कुछ खत्म हो चुका है, जनरल के चक्कर में ना पड़े, ठीक है। मेडिकल आप किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाओ, किसी भी मेडिसिन, एलोपैथी, आयुर्वेदिक, R&D, डॉट 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 डॉट, किसी में भी चले जाओ, आपका स्कोप ही स्कोप है। इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करूँ तो इंजीनियरिंग में आपके लोगों के पास CS एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स इंजीनियरिंग और डेटा एनालिटिक्स, ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। इंजीनियरिंग में आप CS चूज कर सकते हैं, मेडिकल किसी भी में भी चले जाओ, मेडिकल में स्कोप ही स्कोप है। अगर मेडिकल लेना है तो तुम्हारी लाइफ इज वो वेरी गुड ऑप्शन।